स्वीट किचन में मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी कैसी बनती है, चलिए वीडियो में देखते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक बाउल मैंने चावल लिया है और आधा बाउल मैंने अरहर की दाल ली है, एक ग्लास पानी लिया है। उसको अच्छी तरह से पहले भिगो देंगे, पानी डालेंगे, दो ग्लास मैंने पानी डाला है और उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के मैंने साफ कर लिया है, एक ग्लास पानी डाल देंगे और उसको भिगो देंगे। दो प्याज लिया है, दो टोमेटो लिया है, 4-5 लहसुन लिया है, करी लीव्स लिया है, धनिया लिया है और सूखी लाल मिर्च और हरी लाल मिर्च ली है, हींग लिया है और मटर लिया है। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कुकर रखेंगे, कुकर को प्री हीट होने देंगे। एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने राई लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है। जीरा और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। अच्छी तरह से चटक गए गाइस, फिर मैंने हींग डाला है आधा चम्मच, उसको भी अच्छी तरह से चटकने देंगे। फिर लहसुन डालेंगे, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने करी लीव्स डाला है, उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने एक सूखी लाल मिर्च ली है कश्मीरी, वो डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने 2 प्याज कटे हुए डाले गाइस, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। लाइट ब्राउन होने तक पकने देना है। आप देख सकते हैं गाइस, लाइट ब्राउन हमारे ऑनियन हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर टोमेटो डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, उसको भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पांच मिनट तक पकने देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। पांच मिनट हो गए गाइस और हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक गए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। आधा बाउल मैंने हरे मटर लिए है, उसको भी डाल देंगे गाइस, अच्छी तरह से उसको भी मिक्स कर लेंगे। और फिर चावल और दाल जो भिगोई है हमने वो डाल देंगे कुकर में। पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से पानी डालेंगे।
गाइस पहले मैंने एक ग्लास पानी लिया है। और फिर मैंने दूसरा एक ग्लास पानी लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आधा ग्लास पानी और लिया है। टोटल मैंने 2.5 ग्लास पानी लिया है वो डालेंगे। और फिर मैंने एक नींबू का रस लिया है वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 3 सीटी तक पकने देंगे। और ये हमारी गर्मा गर्म दाल खिचड़ी तैयार है गाइस। ऊपर से घी डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।